सब्सक्राइब कीजिए बॉलीवुड नेक्स्ट चैनल को और दबाइए बेल आइकन को ताकि आपको मिल सके हमारे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले। गोविंदा ने एक बार फिर विवादों से भरा इंटरव्यू दिया है। क्या आपको पता है कि 1997 की सुपरहिट फिल्म जुड़वा सलमान से पहले कौन कर रहा था? जी हाँ, गोविंदा। ये फिल्म सलमान को कैसे मिली? फिल्म सलमान ने गोविंदा से मांगी और गोविंदा ने दे दी। गोविंदा के एक इंटरव्यू ने हाल ही में बॉलीवुड में हंगामा खड़ा कर दिया है। इंटरव्यू में गोविंदा ने कहा, शुरू शुरू में जब मैंने टॉप का पीरियड देखा तब बनारसी बाबू नाम की एक फिल्म बनी। वो फिल्म पहले नहीं बन रही थी, उस टाइम पे मैं जुड़वा कर रहा था और किसी दिन सलमान ने मुझे फोन करके रात में 2-3 बजे कहा, चीची भैया आप कितने हिट दोगे? मैंने सलमान से पूछा कि क्यों, क्या हुआ यार? वो बोले कि आप वो जो पिक्चर कर रहे हैं ना जुड़वा, वो बंद कर दीजिए, वो आप मुझे दे दीजिए और डायरेक्टर भी आपको मुझे देना पड़ेगा, प्रोड्यूसर भी है, मैंने आपका ही ले लिया है, साजिद नाडिया वाला। तो वो चलती फिल्म वहां पे ठहरा दी गई और सलमान को दे दी गई। अब आज तक इस बात का जिक्र कभी किसी ने नहीं किया, पता नहीं, लेकिन हाल फिलहाल में गोविंदा ने काफी लोगों के बारे में अजीब बातें बोली हैं। यकीन ना हो तो देख लीजिए। गोविंदा ने कहा, मेरे साथ हो रही है साजिश। गोविंदा ने कहा कि बॉलीवुड में उनके खिलाफ एक किस्म की साजिश चल रही है जिसके तहत या तो उनकी फिल्म रिलीज नहीं होने पाती या फिर रिलीज होती है तो उन्हें स्क्रीन नहीं मिलता। ऐसा केवल इसलिए क्योंकि गोविंदा से लोग जलते हैं। अमिताभ पर किया एहसान। गोविंदा की माने तो एक समय था जब अमिताभ बच्चन के साथ काम करने को लोग तैयार नहीं थे, तो गोविंदा ने बिना किसी की बात सुने, बिना कुछ सोचे समझे उनके साथ छोटे मियां बड़े मियां की थी। हालांकि बॉलीवुड से काफी लोगों ने गोविंदा को सचेत किया था। सलमान डर गया। गोविंदा की माने तो पार्टनर के बाद ही उन्हें पता था कि वो सलमान कैंप में ज्यादा दिन नहीं टिक पाएंगे। उन्होंने बताया कि लोगों ने मेरी इतनी तारीफ की कि सलमान को लोगों ने सचेत किया कि गोविंदा के सामने मत आओ। बहुत कुछ झेला। गोविंदा बताते हैं कि 90 के दशक में बॉलीवुड में कई कैंप थे। एक शाहरुख कैंप जिसमें यशराज और धर्मा थे, दूसरा सलमान कैंप जिसमें साजिद और सूरज थे, और तीसरा कैंप था अजय और आमिर का जो भट्ट कैंप में व्यस्त थे। इस वजह से गोविंदा को बहुत कुछ झेलना पड़ा। डेविड ने दिया धोखा। गोविंदा बताते हैं कि डेविड धवन ने काफी साल पहले उनके साथ फिल्मों में काम करने के लिए मना कर दिया और कहा कि गोविंदा से कहो कि छोटी मोटी फिल्में कर ले। गोविंदा की माने तो ऐसा उन्होंने अपने बेटे को हीरो बनाने के चक्कर में किया। शाहरुख के पास पहुंचा। गोविंदा बताते हैं कि इसके बाद डेविड अपने बेटे को लेकर शाहरुख के पास पहुंचा क्योंकि शाहरुख तो सुपरस्टार है। मैं और सलमान सोचते थे कि इसने सारी जिंदगी हमारे साथ काम किया और बेटे को लेकर शाहरुख के पास पहुंचा। सलमान तो फिर भी बड़ा आदमी है, उनका परिवार इंडस्ट्री से है, लेकिन मैं अकेला पड़ गया। किसी की हिम्मत नहीं। गोविंदा का मानना है कि कोई भी आता है तो उसे लोग गोविंदा कह देते हैं। रणवीर आया तो गोविंदा, वरुण आया तो गोविंदा, जबकि दोनों की बॉडी सलमान जैसी है, लेकिन उनको पता है कि अगर उनको सलमान खान कह दिया गया तो कल से उन्हें फिल्म नहीं मिलेगी। मैं सोनाली को लाया। गोविंदा बताते हैं कि सोनाली बेंद्रे को उन्होंने ही फिल्म शूट पर देखा था और उन्हें आकर मिलने को कहा था। इसके बाद सोनाली को उन्होंने ही फिल्म दिलवाई। हालांकि सोनाली बेंद्रे ने से जुड़े सूत्र इस खबर को नकार चुके हैं। करण जौहर की दिक्कत। गोविंदा करण जौहर से खासा नाराज हैं। उन्होंने अपने शो पर सबको बुलाया सिवाय गोविंदा के। गोविंदा की माने तो करण जौहर दिखते सीधे साधे हैं लेकिन एक बहुत जलनखोर इंसान हैं।